नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 8 नवंबर 2020 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली की कप्तानी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, वही दूसरी तरफ भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर दो बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और यदि आप सभी लोग आईपीएल 2020 को एंजॉय कर रहे हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि फिलहाल ये जो इंडियन टी20 लीग चल रही है इसको मैं My11 सर्कल ऐप पर खेल रहा हूं, क्योंकि फिलहाल यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर चल रहा है। जी हां, यहां पर ज्वाइन होते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपए का कैश बोनस मिलने वाला है और साथ ही साथ यहां पर हर मैच के लिए सौरव गांगुली भी अपनी टीम बनाते हैं और यदि आपकी टीम सौरव गांगुली की टीम को हरा देती है तो आपको आपकी विनिंग का 2 गुना ज्यादा कैश मिलने वाला है। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? काफी सारे लोग यहां पर हर सप्ताह करोड़ों रुपए जीत रहे हैं, तो आप भी अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से My11 सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से डाउनलोड करने पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है वुमेन्स आईपीएल 2020 को लेकर, जहां पर कल लीग स्टेज का अंतिम मैच सुपरनोवाज और ट्रेल ब्लेजर्स के बीच शारजा के शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। बहुत ही रोमांचक और शानदार रहा यह मैच। इस मैच में सुपरनोवाज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अट्टापट्टू और हरमनप्रीत कौर की तरफ से हमें जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी सुपरनोवाज की टीम ने अपने 20 ओवर में 146 रन बनाए और 147 रनों का एक एवरेज टारगेट यहां पर ट्रेल ब्लेजर्स के सामने रखा। ट्रेल ब्लेजर्स की तरफ से यहां पर स्मृति मंडाना और दीप्ति शर्मा की तरफ से हमें अच्छी पारी देखने को मिली, लेकिन वह पारी टीम को जीत नहीं दिला पाई। 2 रनों से यहां पर इस मैच में ट्रेल ब्लेजर्स को हार का सामना करना पड़ा। यहां पर ग्रुप स्टेज के सभी मैच पूरे हो चुके हैं, तीनों ही टीमों ने एक एक मैच जीता है, लेकिन नेट रन रेट को देखते हुए वेलोसिटी की टीम यहां पर पूरी तरह से बाहर हो गई। अब यहां पर 9 नवंबर को शारजा के शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में ही फाइनल मैच खेला जाना है, जहां पर सुपरनोवाज और ट्रेल ब्लेजर्स आमने सामने होने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकलकर आ रही है आईपीएल 2021 को लेकर। ऑक्शन को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि आईपीएल 2021 में मेगा ऑक्शन होंगे या फिर मिनी ऑक्शन। तो भाई अब रिपोर्ट कुछ ऐसे निकल कर आ रही है कि आईपीएल 2021 के दौरान हमें मेगा ऑक्शंस ही देखने को मिलेंगे, जहां पर सभी टीमें केवल 5-5 खिलाड़ियों को रिटेन कर पाएगी और यहां पर पूरी तरह से सभी खिलाड़ियों को रिलीज करना होगा। सभी खिलाड़ी ऑक्शंस में जाएंगे और यहां पर सभी टीमों के स्कोर्स पूरी तरह से बदल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर। और मैंने आप सभी को बताया था कि आईपीएल 2020 के जस्ट बाद भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाली है, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों ही फॉर्मेट्स की सीरीज खेलने वाले। लेकिन भाई रिपोर्ट कुछ ऐसी है कि यहां पर इस दौरे में लास्ट के 2 या 3 टेस्ट मैचों से विराट कोहली बाहर हो सकते हैं, क्योंकि वो अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसे में यहां पर किसको कप्तानी थमाई जाएगी, यह भी एक बहुत ही बड़ा सवाल होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है गौतम गंभीर को लेकर। जी हां, गौतम गंभीर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली पर निशाना साधा है। जी हां, उनकी कप्तानी से वो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। वहां पर उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया कि कोई भी कप्तान या फिर कोई भी खिलाड़ी अभी तक आईपीएल में ऐसा नहीं है जिसने लगातार एक फ्रेंचाइजी के लिए 8 या 8 से कम सीजन खेले हो और यहां पर एक भी टाइटल अपने नाम नहीं किया हो। तो यहां पर भाई बहुत ही मतलब उन्होंने बेइज्जती की है यहां पर विराट कोहली की, क्योंकि आप सभी को पता है कि विराट कोहली लगातार आरसीबी के लिए कप्तानी कर रहे और हर बार यहां पर इतने महंगे खिलाड़ी होते हुए वो अगले ईयर पर अगले सीजन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगले साल हम कमबैक करेंगे। लेकिन अब यहां पर भाई विराट कोहली के ऊपर गौतम गंभीर ने गुस्सा दिखाया कि यहां पर आरसीबी के कप्तान को बदलना चाहिए और एक नए कप्तान के साथ अगले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है रोहित शर्मा को लेकर। आप सभी को पता है कि इंजरी के चलते रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब रिपोर्ट्स कुछ ऐसे निकल कर आ रही है कि भारत की टीम अब आईपीएल 2020 के जस्ट बाद जब यूएई से ही ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी, तो वहां पर रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा ये दोनों खिलाड़ी टीम के साथ जाने वाले हैं।
उनके ऊपर लगातार बीसीसीआई मेडिकल टीम की नजर रहेगी, उनके ऊपर लगातार टेस्ट होते रहेंगे। आप सभी को पता है कि फिटनेस टेस्ट भी यहाँ पर होने वाला है, उसके बाद ही यहाँ पर हमें ये सीरीज देखने को मिलने वाली है। लेकिन भाई खुशखबरी तो यही है कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम के साथ जाने वाले हैं, जैसे ही फिट होंगे वो भारतीय टीम के स्क्वाड्स को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आज के महामुकाबले को लेकर। जी हाँ, IPL 2020 का सेकंड क्वालिफायर मैच भारतीय समय अनुसार आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अबू धाबी के अबू जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बहुत ही रोमांचक और शानदार होने वाला यह मैच। आप सभी को बताना चाहूंगा कि IPL 2020 में ग्रुप स्टेज के दौरान ये दोनों टीमें दो बार आमने सामने हुई है, जहां पर दोनों बार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने बाजी मारी है। एक बार 15 रनों से जीत मिली है, वही दूसरी बार यहां पर 80-85 रनों से बड़ी जीत मिली थी। यानी भाई हैदराबाद का पलड़ा दिल्ली कैपिटल्स पर IPL 2020 में हैवी रहा है। हेड टू हेड परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि IPL के इतिहास में ये दोनों टीमें अभी तक कुल 17 बार आमने सामने हुई है, जहां पर हैदराबाद वन साइडेड हैवी है। जी हैदराबाद ने यहां पर 17 में से 11 बार जीत दर्ज की, केवल 6 बार यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत पाई है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी आज के महामुकाबले को लेकर ही है। जी हां, आज के मैच में हमें यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। आप सभी को पता है कि पिछले मैच में इस टीम की तरफ से गोस्वामी ओपनिंग करने उतरे थे, बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे छोटा टारगेट था, बिल्कुल आराम से वहां पर हैदराबाद की टीम जीत गई थी। लेकिन अब यहां पर ओपनिंग में हमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स ऐसी भी है कि रिद्धिमान साहा यहां पर वापसी कर सकते हैं, और अगर यहां पर रिद्धिमान साहा नहीं खेलते हैं तो किसी एक फॉरेन खिलाड़ी को बाहर करके उनकी जगह पर धोनी बेस्टों की भी टीम में एंट्री हो सकती है। तो दोस्तों ये है आज 8 नवंबर 2020 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।